हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम डिफरेंस बिटवीन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड को स्टडी करेंगे। जितना हो सकेगा उतने कम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हम सब ये जानते हैं कि एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, मीन्स पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एटम से बना हुआ है। प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वाटर एक्सेट्रा। अब इससे मन में एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर सब कुछ एटम से बना है तो सब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों दिखते हैं, मीन सबके सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। तो देखो, ये इस वजह से है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में टोटल 118 एटम या फिर एलिमेंट्स हैं। इन एटम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं। सपोज हमने तीन एटम लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। कार्बन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साथ में कंबाइन होते हैं तो हमें वाटर मिलता है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है ये आपको डिफरेंट सब्सटेंस देते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड क्या होता है। दो टाइप के एटॉमिक कॉम्बिनेशन होते हैं, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन एंड हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो मीन्स सेम एंड एटॉमिक मीन्स एटम। होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ एटम। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एंड इसमें भी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स वन, नियॉन, आर्गन एंड ज़ेनॉन, दे आर एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सभी नोबल गैसेस क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब बहुत से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नियॉन के बहुत से एटम्स को कंबाइन किया जाता है तो नियॉन एलिमेंट बनता है। जब आर्गन के बहुत सारे एटम्स को कंबाइन किया जाता है तो आर्गन एलिमेंट बनता है। जब ज़ेनॉन के बहुत सारे एटम्स को कंबाइन किया जाता है तो ज़ेनॉन एलिमेंट बनता है। सिमिलरली, जब मेटल के बहुत से एटम्स को कंबाइन किया जाता है लाइक आयरन, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा, तो ये भी बहुत से एलिमेंट्स बनाते हैं। बट याद रखें कि मेटल्स मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। अब आते हैं डायएटॉमिक पे। डाई का मतलब होता है टू। इसके एग्जाम्पल है H2O2 एंड N2। ये दो एटम से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। जब बहुत से एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो ये एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 के बहुत से एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। जब O2 के बहुत से एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो ऑक्सीजन एलिमेंट बनता है। एंड जब N2 के बहुत से एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो नाइट्रोजन एलिमेंट बनता है। अब आते हैं हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन पे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट एटम को केमिकली कंबाइन किया जाता है। एंड जब ऐसा होता है तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, CO2, H2O एंड CH4। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होता है। जब बहुत से हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत से CO2 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपाउंड बनता है। जब बहुत से H2O हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है तो वाटर का कंपाउंड बनता है। जब बहुत से CH4 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है तो मीथेन का कंपाउंड बनता है। तो चलो, अब पूरे के पूरे लेक्चर को एक स्टेटमेंट में समराइज करते हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब दो सेम टाइप के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है तो उस मॉलिक्यूल को एलिमेंट बोलते हैं। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है तो उस मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोलते हैं। कुछ एटम्स कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं लाइक नोबल गैसेस। होप कि आपको एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।